नमस्कार, मैं विमलेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हैप्पी खाना खजाने में। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर पे किस तरीके से मार्केट से अच्छा मठरी बना सकते हैं। तो मार्केट से अच्छा मठरी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, इन सामग्री को हम आइए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप मैदा, आप यहाँ पे लिया है मैंने घी, थोड़ा सा मंगरेला, यहाँ पे लिया कसूरी मेथी, सॉल्ट, थोड़ा शाही जीरा, चाहे तो डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, अजवाइन, क्योंकि जब भी हम खाते हैं तो अजवाइन हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए इन चीज़ों को डालना ना भूले। तलने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल। तो अब हम इसका बनाएंगे डो अच्छे तरीके को, इस तरीके से इसमें डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, इस तरीके से अजवाइन डालेंगे, इसमें शाही जीरा डालेंगे, थोड़ा सा मंगरेला डालेंगे, और इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें कितनी सॉल्ट की ज़रूरत है। इस तरीके से सॉल्ट डालेंगे 3 से 4 चम्मच, में डालेंगे घी, इस तरीके से। अब चाहे तो इसके जगह पे डालडा भी कर सकते हैं। हम आटे गूंथेंगे, तब तक हम गैस ऑन कर लेते हैं जब तक मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा और मेरा डो भी बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, लगभग इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। तो इस तरीके से इसका डो बना लेंगे। देखिए ये जो मेरा डो है बिल्कुल इस तरीके से बना है, हार्ड। अब हम इसको ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास पहले से जो कपड़ा है जिससे भिगो करके रखा था मैंने, उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये मेरा 15 मिनट हो गया है डो को, तो इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, एक बार फिर से इसको नोक बैक करेंगे ताकि इसमें जो CO2 गैस होता है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से इसको ये कर लेंगे। अब इसका हम छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे, इस तरीके से इसको गोल कर लेंगे, और इसको फोक की मदद से इस तरीके से रख करके सारा फोक करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारा मछली का डो बना लेता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से फोक करें जैसे कि मैंने किया है। तो चलिए हम सारे डो को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो देख रहे हैं सारा मछली बन करके हो गया है रेडी। इस तरीके से मैंने सारा को फोक कर लिया, और जो मेरा तेल है गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मछली, इस तरीके से ये सारा मछली हम डाल देंगे इसमें। तो मैंने इसमें सारा मछली डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तेल को हमेशा हीट रखना चाहिए, ज़्यादा गर्म रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारा मछली सॉफ्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो डालते ही हमारा मछली जो है जल जाएगा। तो इसको मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। इस तरीके से देखिए किस तरीके से हमारा मछली जो है पक रहा है इसमें। अब हम इसको जब तक लिए गोल्डन तल करके ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन की तरह, तब तक लिए इसको तलना है। तो देखिए किस तरीके से मेरा मठरी है जो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस तरीके से इन बातों का हम ध्यान रखें। अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं सारा मठरी इस तरीके से निकाल लूँगा। हमेशा ध्यान रखें इसके नीचे पेपर लगाए, इससे क्या होता है कि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है सोख लेता है। इसकी हम कर लेंगे प्लेटिंग। इस तरीके से हम इसको सजा लेंगे। आप इसको चाय के साथ सुबह में नाश्ते में खा सकते हैं। तो देखिए हमारा मछली इस तरीके से बनकर के रेडी हो गया है। प्लीज़ हमारे रेसिपी को फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर लिखें कि आप अपने घर पर मछली बनाए तो बिल्कुल इस तरीके से बने हैं कि नहीं बने। तो ये देखिए कुछ खर्चा के बन चुके हैं, हम तो ज़्यादा इंजॉय करें चाय के साथ। आप भी मॉडल चाय के साथ जरूर इंजॉय करें। तब तक के लिए धन्यवाद।